यो व्हाट्स अप। तो आपने से कुछ लोगों को पता होगा कि मैं कुछ दो तीन चार दिन से वीडियो नहीं ला पा रहा था क्योंकि मेरा लैपटॉप खराब था। और जब मैंने आप लोगों को बताया मेरा लैपटॉप खराब है तो आप लोगों ने मुझे मुफाड़ बोला क्योंकि उसका भी शायद लैपटॉप खराब होता है। मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। मजाक मस्ती चलती रहती है ना। बाकी साथ ही साथ मैंने बोला कि 50,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग ये पहली बार देख रहे हैं उन्हें भी धन्यवाद कर देते हैं। तो मैंने फोटो में कैप्शन डाला, यूट्यूब पे मैंने फोटो डाली, कैप्शन डाला, ये मेरा नहीं हमारा चैनल है। तो मेरा तो यार एक पॉजिटिव वो था कि यार मतलब हमारा चैनल है यार, राइट। और मुझे कमेंट आ रहे हैं उसमें कि भाई एक ने बोला आईडी पासवर्ड दे दो, एक ने बोला भाई पैसे बांट। भाई अगर पैसे बांटने पे आ गया 50,000 लोगों को, 10-10 पैसे जाएंगे सबको, समझ रहे हो, 10-15 ऐसे पैसे जाएंगे। तुम्हें क्या लग रहा है बहुत पैसा आता है यूट्यूब से? नहीं भाई, बहुत पैसा आ रहा होता तो बैकग्राउंड चेंज होता, मतलब ब्लॉग में मैं बढ़िया बढ़िया जगह घूमने जाता। ब्लॉग वाले चैनल तुमने नहीं देखा तो देख लो। पैसा नहीं है भाई, पैसा अभी तक नहीं आ रहा है। Welcome to my channel, Sean says, and if you're watching me for the very first time, I would love it if you hit the subscribe button right now. Or we're gonna need to create a buzz off so we can get connected. You don't miss any video from my side. To me, look up as I mean, don't rap God, hey. अब मैं आ रहा हूँ, बहुत लेट आ रहा हूँ। वैसे भी मैं लेट ही आता हूँ लेकिन इस बार तो जेन्युइन रीजन था लेट होने का। आई हैव नॉट हर्ड दिस सॉन्ग, आई शपथ मां कसम। मिराज मतलब क्या होता है? मिराज मतलब होता है एक मूवी है, आई थिंक रशियन मूवी है वो, मतलब वो इंग्लिश में डब थी तो मैंने देखी थी। तो मिराज मतलब होता है कि ना शीशे के इस तरफ शीशे के इस तरफ क्या, शीशे के उस तरफ क्या, समथिंग रिलेटेड टू दैट, राइट। और जैसे कि हम लोगों को पता है कि यू नो लिरिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अमेजिंग है डिनो जेम्स। सो लेट्स फाइंड आउट कि इस गाने को कितना तड़कता भड़कता और कितना अमेजिंग, कितना फीलिंग वाला बनाया है। बाकी तुम्हारा भाई एप्स बना चुका है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली है, काम। सुन, अगर तूने डिसाइड कर लिया है तो मर जाना, क्यों वेट कर रहा है? अगर तेको ये समझ में नहीं आ रहा कि कितने सारे लोग तुझसे प्यार करते हैं, तेको ये नहीं दिख रहा कि तू कहाँ पर खड़ा है, तो क्या करेगा जिक्र? वैसे भी सही टाइम पे है, कमिट सुसाइड, ये स्टोरी का गाना आ रहा है। इट्स गोना बी अमेजिंग, मुझे वाइब आ रहा है यार। सोचा मिलेगी जब खुशियां, जब पहुंचूंगा मैं पीक पे, भागा चला जा रहा है तू इसी बस उम्मीद पे, देख ही नहीं पा रहा है सारी चीजों को तू ठीक से, है काफी बड़ी मिस्टेक ये सभी साली ट्रिक्स हैं। सैड था तू जब थे खाली 10 रुपए जेब में, आज लाखों में कमा रहा है फिर भी स्ट्रेस तेरा सेम है, नए बड़े चैलेंजेस और नए बड़े एम है, यही धोखा दुनिया चलाती है, यही सारा गेम है। कोई तेरे आगे नहीं और कोई भी तेरे पीछे नहीं, किसी के ऊपर नहीं और कोई भी तेरे नीचे नहीं, कंपैरिजन से भैया बस बढ़ती है बेचैनी, तू फल तोड़ने चला है जो बीज तूने सींचे नहीं, फोकट में तू परेशान है, फोकट में तू भागे, आगे बढ़ना तो जरूरी है पर मजे ले तू राके, सुन मंजिल जैसा कुछ भी नहीं बस आते रहेंगे नाके, सब दिया तुझे रब ने तू बगल में झाके, तुझे कभी ना पता चलेगा बस तू चला चलेगा जब तक हो ना जाए राख, सारा दिन बस रेस करे जाने किसे चेस करे, एंड में यही कहेगा फक। सही जिंदगी को छेड़ के बस लालच को सेड़ के फिर निकला है सफर पे आज, तू चले संग भेड़ के उजाले हैं अंधेरे के, ये सब सारा है जो तेरा मिराज है, मिराज है सारा ये मिराज, तुझे खींचे जाए पास दिल को बहलाए रे प्यास, और बढ़ती तेरी प्यास कर पानी की तलाश पर मिल ना पाए, जो भी चाहा बाकी शांत होगा तू इसकी क्या गारंटी, और जो मिला वो रहेगा है क्या इसकी कोई वारंटी, तो रुक और टेक अ ब्रेक और छोटे आंखें खोल के देख, सपने जो देखे थे तूने वो तो जी रहा है करेंटली, जाने तू क्या पाने चला हाथों का सब छोड़ के, मजे तो ले फल के जो लाया है तू तोड़ के, यही तेरा आज है और इसी में सारा स्वाद है, वो भी तेरे होंगे फिलहाल है वो किसी और के, मनी कैन बाय एवरीथिंग और हर एक बड़ी चीज, घर में मर्सिडीज और टच वुड बैंक अकाउंट 30, परेशान और भागे पीछे मल के तू विक्स, जो भी चाह वो मिला बस मिलानी मेंटल पीस, पहले खुश रहता था कहे रब की सब मेरे, फिर इंस्टाग्राम में जाके करता हैप्पीनेस कंपेयर, अब टूटी सारी नींदे और टूटा सारा धैर्य, अब बोले जग अनफेयर है, ये राज को तू ना जाने, तभी जिंदगी है बेकाबू,
तुझे अपनी ओर खींचेगी, कुछ इस तरह कहे जादू, तू दर बदर ही भटकेगा और सब पड़ा है तेरे बाजू, जो है बेखबर है वो परेशान, जो समझ गया बना साधु। डीनो क्या कर रहा, गिर जाएगा। वो अमेजिंग मैन। मम्मी टेंशन मत लो, मैं ले लूंगा ये बलून। वहां से गिर जाएगा, यहाँ पर आ। कुछ नहीं होगा मुझे, मार खाएगा। इधर आ। है मिराज, है सारा ये मिराज, तुझे खींचे जाए पास, दिल को बहलाए रे, प्यास और बढ़ती तेरी प्यास, कर पानी की तलाश पर मिल ना पाए रे। गाली 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 ऐसे, जाली 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 ऐसे, ये लिखने के लिए सोचना पड़ा, वो सोच ही अमेजिंग अमेजिंग ब्रिलियंट पीस ऑफ वर्क मैन। अगर आर्ट के फॉर्म में इसे देखा जाए तो बेहतरीन आर्ट है, बेहतरीन। मतलब देखो, पहले तो मैं ये चीज क्लियर करता हूँ, जैसे मैं बता रहा था ना मिराज के बारे में कि मिराज मतलब होता है शीशे के इस तरह, शीशे के उस तरह, तो समवेयर द मीनिंग वॉज सेम, मीनिंग वॉज सेम। इट वॉज लाइक पहले लगता था कि यार पीक पे पहुंच जाऊंगा तो सही होगा जगह, लेकिन नहीं है। फिर लगा पैसे पैसे, मतलब क्या होता है कि कंपटीशन चल रहा है, वी ऑल आर रनिंग टू अचीव समथिंग इन लाइफ, हम अपना मेंटल पीस खो दे रहे हैं, राइट। तो इसका सिंपल सा समाधान है, मैं तुम लोगों को दे देता हूँ। जब भी कोई ऐसा तरीके गाना होता है तो मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर कर लेता हूँ, पते की चीज़ देना चाहता हूँ। देखो ये जो होता है ना कि क्या होता है कि स्कूल में हम पढ़ते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में कॉम्पिटिशन लगता है फर्स्ट आने का, मेरे जैसे लोग होंगे तुम भी, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पास होने से मतलब होता है, राइट। लेकिन उसके बाद फिर क्या करना है लाइफ में ये सब। तो अभी मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ, राइट। तो मेरा भी मेन पता है क्या सीन है, मेरा सिंपल सा सीन है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग हार्ड, बट आई एम नॉट डाइंग टू अचीव समथिंग। मेरा काम है मेहनत करना, तुम्हारा काम है मेहनत करना, छोड़ दो रिजल्ट क्या मिलेगा। यस दैट्स ऑब्वियस कि एक बेसिक चीज़ चाहिए होती है, मुझे भी एक बेसिक चाहिए कि यार इतना बेसिक हो जाए, राइट, उसके बाद मैं मेहनत करूँगा, दिमाग में पागल नहीं हो जाऊँगा, अरे यार मुझे यार वहाँ पहुँचना ही है, मुझे यार 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, यार कब होंगे, कैसे होंगे, यार मुझे और पैसा चाहिए, यार मुझे ना वो चीज़ भी खरीदनी है, यार मुझे वो भी खाना है, ये इसको लाइट सिंपल। जैसे इसने गाने बताया, जिसको समझ आता है वो साधु बन जाता है। मतलब देखो, एक तो मैं ये चीज़ बता दूँ कि ये मेरा तरीका है, ये तुम्हारा हिसाब से गलत हो, जो डीनू ने बोला ये डीनू का तरीका है। कुछ सक्सेसफुल लोग होंगे जो ठीक होंगे यहाँ से, वो बोलेंगे अब यार ये गलत बोल रहा है, राइट। तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, सबके अपने अपने तरीके हैं, राइट। तो पहले तो ये चीज़ होती है कि यहाँ पे ना कुछ सही है ना कुछ गलत है, समझ रहे हो, कोई सही तरीका नहीं, कोई गलत तरीका नहीं, सब डिफरेंट तरीका है। जो मेरा तरीका वो मेरे लिए सही हो सकता है, आपके लिए गलत हो सकता है, इसका मतलब वो सही तरीका नहीं है, है ना, कोई जस्टिफाइड सही तरीका नहीं है, सब डिफरेंट तरीकाज हैं, राइट। तो जो इसने एक्सप्रेस किया है वो बहुत लोग फेस कर रहे हैं, ये इंटरनल हो गया ना, लोगों को ना एक्सटर्नल चीज़ों का ज़्यादा वो है, मैं दिखने में अच्छा हूँ, अंदर से चाहे खोखला हो गया इंसान, सिगरेट पी रहा है, बाहर से यू नो आपको लग रहा है आप कूल लग रहे हो, मैं नहीं लग रहा, अंदर से चल रहा है सब कुछ खत्म, खलास, दिखावा वाला हो चुका है अभी सीन बहुत ज़्यादा। और आधे लोगों को सक्सेसफुल होता है क्यों ना, आधे लोगों को सक्सेसफुल होना दिखाने के लिए, अपने लिए नहीं, आधे लोगों को ये होता है कि मेरे रिश्तेदारों में मेरा बहन का नाम हो जाए, दोस्तों में ना मैं सबसे आगे हो जाऊँ, राइट। तो ये हो गया, इस चीज़ को जितना कम कर दोगे उतना मज़ा आएगा, अभी शायद आपको फील नहीं होगा लेकिन आगे जाके बहुत फील होगा, क्योंकि जैसा आप अभी सोचोगे ना वैसे ही आप ज़िंदगी भर सोचोगे, समझ रहे, आपका एक तरीका वैसा ही बन जाएगा सोचने का, और आपको नहीं पता चलेगा वैसे तरीके से बन चुके हो, राइट। आपको तो वो सही लगेगा, जैसे कि मैंने बोला, गलत नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को, सही गलत कुछ नहीं होता, डिफरेंट। तो उसका परिणाम ऐसा हो सकता है जो आपको शायद अच्छा ना लगे, तो उसी को चलो छोड़ो, मैं क्या साधु संत की बातें कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। गाना बहुत अमेजिंग था, जो इसने लिखा है उस लिखने से पहले सोचना, एक लिखने के लिए वो सोचने का वो बनाना पड़ता है, समझ लो एक मूड बनाया है इसने उस तरीके का, हो सकता है उस टाइम पे वैसा ये ना फील कर रहा हूँ ना सोच रहा हूँ, लेकिन इसने अपने को वैसा फील करवाया कि मैं वैसा सोच रहा हूँ, फिर वो आंखें बंद करी इसने वो सोचा और फिर लिखा, यू नो। और कई बार क्या होता है, हम एक टाइम पे पूरा गाना नहीं लिख पाते, हम थॉट से चले जाते हैं, फिर हमें दूसरे दोबारा उस थॉट में आना पड़ता है और फिर हमें वैसे करके उसे लिखना पड़ता है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा है, जो वीडियो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बढ़िया बनाया है। और मरना तो हल है नहीं, राइट, कुछ हल ही नहीं है मरना यार, मतलब आप परेशान हो गया हो सबसे, अगर
घर से, गर्लफ्रेंड से, वाइफ से, दोस्तों से, किसी से भी परेशान हो, आप छोड़ के चले जाओ ना यार। मरना क्यों है, क्यों? ये जिंदगी इट्स हेवन, क्यों छोड़ के जा रहे हो इसको? अच्छे से अपनी मर्जी से जी लो फिर, कोई दिक्कत नहीं। आपको नहीं चाहिए किसी के साथ, कोई दिक्कत नहीं, आप भाग जाओ। किसी के साथ गलत मत करो, लेकिन आपको अगर ऐसा हो रहा है कि यार उसने मेरे साथ धोखा कर दिया, वो कर दिया, आप अपने चॉइसेस लेते हो, आपकी वजह से आपके साथ जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं, राइट? बहुत डीप चला गया मैं, क्योंकि गाना इतना डीप था यार। आई लव दिस ट्रैक। और डीनो जेम्स के, जैसे मैंने बोला, लिरिकली बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, बहुत सोचने वाले गाने होते हैं जो डीनो जेम्स के होते हैं, मोटिवेशन ट्रैक्स भी होते हैं, तो मोटिवेशन गाने को लिखने के लिए भी सोचना पड़ता है, तो बहुत थिंकिंग सॉन्ग्स होते हैं डीनो जेम्स के। एंड I appreciate. I give thumbs up to this song. If you like this video, if you like me reacting to this song, this video, please give a thumbs up and do share this video with all of your friends. परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। बाकी come join me on Instagram. I'm posting really cool pictures on my stories. और मेरा नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, उस पर ब्लॉग आने वाला है कल, बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा होने वाला है, एंटरटेनिंग होने वाला है और खूबसूरत होने वाला है। अब तुम्हें तो पता ही है, हम तो खूबसूरत है ही नहीं, खूबसूरत होती लड़कियां, तो खूबसूरत होने वाला है तो मतलब समझ जाओ। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, डू समथिंग प्रोडक्टिव।